नमस्कार, मैं कुलदीप गोस्वामी। आज हम मौजूद हैं उन्नाव के नवाबगंज टोल प्लाजा पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज उन्नाव आगमन है। पूर्व में अपरिहार्य कारणों से 21 तारीख को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, जो अन्य कारणों से निरस्त कर दिया गया था। आज उन्नाव लगभग 12:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य जी उन्नाव निराला प्रेक्षागृह में प्रस्थान करेंगे। इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि टोल प्लाजा पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, और टोल प्लाजा पर एक विशेष लाइन को जो है रिजर्व किया गया है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लगभग 980 करोड़ की परियोजनाओं का इसके पहले लोकार्पण शिलान्यास किया है, और जो जनता की सेवा में समर्पित भी कर दिया गया है। आज मैंने 467 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा भी की है, जिसकी पत्रावलियाँ तैयार हो गई हैं और बहुत जल्दी उसकी टेंडर प्रक्रिया करके और जनता की सेवा के लिए निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सभी माननीय विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, सब लोगों ने अपेक्षा की थी कि जनपद के अंदर सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, तो हम लोगों ने जितना अधिक से अधिक यहाँ का विकास हो सकता है वो करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से जनपद उन्नाव में सड़कों में सुधार हुआ है, उसी प्रकार से हम पूरे प्रदेश के अंदर सुधार के काम में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम प्रदेश के गांव-गांव तक अच्छी सड़कें बनाएं। इसके लिए लगभग 3,500 और भी ऐसी आबादी है जो 250 तक की संख्या है, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसको भी हम तत्काल स्वीकृति प्रदान करने जा रहे हैं। उसके आधार पर जो आज की योजना का हिस्सा नहीं है, उसे भी हम आगे बनाने का काम करेंगे। गरीब से गरीब आदमी की सूची बनाकर उसे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया। जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उस सरकार के बाद कांग्रेस से कोई योजना आएगी, उस योजना को यूपी के अंदर नहीं लागू होने देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब के हित में काम करना है और पूरे प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, हम प्रदेश में भी है। थोड़ा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के नौजवान का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, देश का, किसान का, नौजवान का, गरीब का, मजदूर का भला होगा, वही काम हमारी केंद्र सरकार, वही काम हमारी प्रदेश सरकार करती है और करेगी। इस केंद्र सरकार प्रदेश सरकार अच्छे से अच्छे काम करे, वही को सहन नहीं होगा। अभी झाबड़ा का भव्य मंदिर का है और दिव्य और भव्य श्री जिला कहते हैं, हमारे विधायक जी मुझे भेज दी। आप बताओ अगर आपने कमल नहीं खिलाया होगा तो अयोध्या के लिए श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा होता क्या? कैसे कार्यकर्ता कोई प्रदेश की टीम होगा, कोई क्षेत्र की टीम हो, सारे यहाँ डीएम कप्तान और सभी विकास से जुड़े हुए अधिकारी सब बैठे हुए, तो कान खोल करके सुन ले, कार्यकर्ता का सम्मान रखने कोई कमी होता है। अगर उनके बाद कोई समस्या आती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसे हल करना। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह जनता के जो मामले लेकर के आते हैं, जो जाता है उसे हल करते हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही करेगा उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूंगा, बहुत सारे विरोधी तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करें, किसी भ्रम के चक्कर में न पड़े। हम सब एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हम सब उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार में है और आप सबके परिश्रम से जनता के आशीर्वाद से 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाने का काम करेंगे।